गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। और दूसरा, बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा से ज्यादा मिली। उसके अलावे राष्ट्रीय पिछड़ा संविधान संशोधन करकर ओबीसी को बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, ये जो शुरुआत बाबू जी तक गए थे, मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। जन्मभूमि का मंदिर, इसलिए कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही भूमि पूजन करने का काम करें। मित्रों, आज मैं समग्र उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल आते हैं जो व्यक्ति का परिचय करा देते हैं। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर उनका परिचय कराता है, निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद क्या। मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया है। आज हम सबको आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराज लेंगे। और उस दिन दुनिया भर के राम भक्तों को एक संतोष और गौरव का भाव आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, पिछड़ों का सम्मान और राम मंदिर का अधूरा काम, ये तीनों कामों को 9 साल के अंदर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। मित्रों, आज बाबू जी का स्मृति दिन है, मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं, मैं यूपी के प्रभारी नाते आया, मुझे उत्तर प्रदेश की जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जरा भी जानकारी।